ये आपका सिक्स्थ डार्क स्क्रोल है। काफी रिलीजन्स में और कम्युनिटीज में माना जाता है दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। सो योर नेक्स्ट लोकेशन इज गोइंग टू बी अ सेमेटरी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सोल्जर्स थे जो जंग में मारे जाते थे उनको यहां दफन किया जाता। 1880 में नैनीताल में और इस एरिया में बहुत बड़ा साइक्लोनिक क्लाउड बर्स्ट हुआ और 3 दिन नॉनस्टॉप बारिश होती। इतनी बारिश हुई कि नैनीताल और आसपास के जितने गांव हैं एरियाज हैं वहां पे लैंडस्लाइड्स हो गए। गांव के गांव पूरा नैनीताल धस गया। उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 151 बॉडीज वर फाउंड बट दे वर फाउंड इन सच अ स्टेट, ऐसी हालत में कि आप उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। इसलिए इनको भी पाइन सेमेट्री में दफनाया गया और उसमें बहुत सी बॉडीज थी जिनका कोई नाम भी नहीं था। उस हादसे के बाद पाइन सेमेट्री की रातें और काली हो गई। वहां की कहानियां और खौफनाक हो गई। सो ये जो जगह है इट्स फिल्ड विद ट्रेजेडी एंड बहुत ही ज्यादा सडन एंड अनटाइमली डेथ्स हुई। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब कि जो एंटिटीज हैं बहुत ही रेस्टलेस हैं, जैसे कि वो एक क्लोजर ढूंढ रही हैं, आंसर्स ढूंढ रही हैं। कैसा होता है ना कि जो सिमेट्रीज होती हैं, सिमेट्रीज आर लाइक दे आर लाइक बैटरीज फॉर द एंटिटी। इतने सारे बॉडीज, इतने सारे ट्रेजेडी, इतने सारे रीजंस ऑफ डेथ, सो मेनी रेस्टलेस एंटिटीज, सो मेनी रेस्टलेस इमोशंस, सो ये सब एंटिटीज को जरूरत होता है। तो अपार्ट फ्रॉम वॉट The people who are already resting or not resting वहाँ पे, जो बाकी के entities हैं वो भी देखते हैं कि अरे it's a good place to haunt, so वो भी उन्होंने अभी खुद का घर बना दिया है वहाँ पे। Have a good night, seekers. Thank you, sir. I will see you all tomorrow. Sarvajit, Pooja, always a pleasure. Thank you very much. Thank you. Good morning, seekers. Good morning. Pine Cemetery के बारे में सुनने के बाद Hope you are ready to dig deeper into your curiosity. Investigation ke liye you need to divide yourselves into 3 teams of 2 seekers each. Every team must have a boy and a girl. Decide the triggers and meet me at Pine Cemetery. Aap log ki teams मुझे तो लग रहा है ऑलरेडी सेट है। यस सर। ट्रिगर। सर्वजीत, पूजा, जो आज के जो टेक्निक्स हैं जी और डिवाइसेस हैं कैन यू प्लीज शेयर विद अस। वी हैव अनदर गैजेट टू पी पूजा। या ये गैजेट है। हां जी, ये गैजेट है। सो एज यू कैन सी इट्स अ टेडी बेयर। ये एक ईएमएफ सेंसर है। सो व्हेन देयर इज एन एंटिटी अराउंड तो इसमें लाइट ग्लो होगी, रेड या फिर ग्रीन। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एंटिटीज हैं, दिस विल आल्सो एक्ट एज अ ट्रिगर ऑब्जेक्ट। ओके। दूसरा गैजेट जो हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं SLS कैमरा, स्ट्रक्चर्ड लाइट सेंसर कैमरा। बेसिकली अगर मैं बताने जाऊँ तो जो चीज़ें आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी वो कैमरा आपको आज दिखाने वाला है। सो द होल आइडिया इज के अगर वो कैमरा आप जिस तरफ पॉइंट करोगे तो अगर ह्यूमनॉइड शेप का कुछ भी दिखे, ह्यूमन रिलेटेड शेप का कुछ भी दिखे तो वो आपको स्टिक फिगर में नोटिफाई करेगा कि वहाँ पे कुछ तो है। ओके, लेट्स वेट फॉर द डार्कनेस टू टेक ओवर। सी यू इन अ बिट। स्मृति। यस सर। साहिल, आज आप उन बच्चों की एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे जो खो गए थे और हमेशा के लिए यहाँ भटक गए।
साहिल आप ट्रिगर। जी। कुछ देर के बाद एक सायरन बजेगा और स्टेज टू शुरू होगी, क्योंकि आप ट्रिगर। जी सर। आप इस वक्त जो वहाँ बच्चों की एंटिटीज हैं उनको लालच दे के, बच्चों को जैसे पुचकारा जाता है, उन बच्चों की एंटिटीज को अपने तरफ बुलाएंगे। जब आपको फील होगा कि बच्चों की एंटिटीज वहाँ आपके पास आ गई हैं, तब आप बोलेंगे कि ये चॉकलेट्स तुम लोग के लिए नहीं, मैं तुम लोगों का लोकल गार्जियन नहीं हूँ। कहा जाता है कि किसी भी ग्रेवयार्ड में, सिमेट्री में कभी भी गाना नहीं गाया जाता। बोधी आज आप ये करेंगे। नैनीताल की एक बहुत प्रसिद्ध लोरी है जो उस वक्त माएँ बच्चों को सुनाया करती थी। आप वो ललबाई, वो लोरी सिमेट्री में अपने SLS कैमरा के साथ गाएंगी। अब ये जो बच्चों की एंटिटीज़ हैं, ये कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे अपनी प्रेजेंस आपके साथ फील कराती हैं, आपके पीछे आती हैं, क्या होता है, दैट इज़ योर इन्वेस्टिगेशन। सो वील सी। थोड़ी देर के बाद एक सायरन बजेगा और आपका स्टेज थ्री शुरू होगा। भूति आप जहाँ टेंट हैं, जहाँ पर साहिल हैं, आप वहाँ चली जाएंगी और साथ में मिलके आप लोग अपना कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। आपका जो रूकी MF दैट इज़ योर डिवाइस, एंड आपका कम्युनिकेशन का जो स्टेज है वो शुरू होगा एंटिटीज के साथ। बहुत स्कैरी होती हैं यार ऐसी प्लेसेस। अरे यहाँ ये खिलौने हैं। यहाँ पे 3 टोमस्टोन्स हैं। ओके ओके, आई फाउंड द रिंग। मुझे फील हो चुका है सब यहाँ पर है। मैं ट्रिगर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक भी खिलौना तुम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? ये सब मेरे लिए है। मैं तुम्हारा कोई गार्डियन वार्डियन नहीं हुआ, ये बात समझ। तुम अपने गार्डियन खुद ढूंढो, जाओ हर जगह, जहाँ भी जाना है ढूंढो। मेरी मेरा मेरा कुछ नहीं है तुमसे। तितली नैनीताल की निकली लेकर पाल की, भागी भागी की चली जाती, राह पकड़ भोपाल की। थोड़ा नीचे जा रही हूँ मैं। एक भी ओ फक फक बचो। ये जो लाल जलने, ये जो लाल जलने वाली चीज़ है, और ये जो टेडी बियर सा दिख रहा है, इसके इसके पास आके मेरे को आंसर देने की कोशिश करो प्लीज़। क्या तुम भी लैंडस्लाइड के बाद यहाँ आए? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, अगर तुम लोग सच में लैंडस्लाइड के बाद यहाँ पर आए हो, तो इन दोनों में से किसी एक के भी पास आ जाओ, मैं समझ जाऊँगा कि तुम लैंडस्लाइड के बाद आए हो यहाँ पर। क्या जला? हाँ। क्या जला? I heard a beep. हाँ, I also heard a beep. क्या तुम यहाँ अकेले हो बच्चों? अगर तुम अकेले हो तो इस टेबल के आसपास आओ, इस डब्बे के आसपास आओ जो लाल कलर का जल रहा है। साहिल, साहिल come here. What is that? What is that? What is that? ये गैजेट है कि? नहीं, शायद बच्चे हैं। ऑन द टेबल? क्या आप यहाँ पर हो? क्या आप हमारे यहाँ पे साथ, हमारे साथ हो यहाँ पर कि नहीं, बस ये बता दो। अगर हो तो बस इस डिवाइस के पास आ जाओगे, हमें सिग्नल मिल जाएगा कि तुम लोग हो यहाँ पे। नहीं आ रहे यार।
रिलैक्स 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 यार ब्रो, एक बार वो भूति बेंच से जो और साहिल अपने डिवाइसेस लेके आप प्लीज लौट आए। ठीक है सर। पता नहीं कुछ समझ सा नहीं पाया मैं, यहाँ पे काफ़ी भारी भारी महसूस हो रहा था, एनर्जी भी ट्रेन होती हुई महसूस हो रही थी, बट कम्युनिकेशन में एक भी आंसर नहीं आया पता नहीं क्यों। जब हमने देखा उससे तो डिवाइस से तो हमें उसमें भी दिखा है स्टिक्स, बट ऑन द टेबल बट पता नहीं शायद बच्चों को समझ नहीं आया कि जवाब कैसे देना है या गैजेट्स क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे थे पता नहीं, क्योंकि SLS कैंप पे बहुत सारी स्टिक फिगर्स दिख रही थी।